हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइनाइटिस। सो व्हाट इज राइनाइटिस? जो राइनो वर्ड होता है ये हमारा आता है नोज के लिए, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज इज नोन एज राइनाइटिस, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रनिंग नोज, स्टफीनेस ऑफ नोज। ठीक है, ये हो गया हमारा राइनाइटिस। अब आते हैं राइनाइटिस के टाइप्स। जो राइनाइटिस के टाइप है वो बहुत, मतलब इसको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले है एक्यूट, क्रॉनिक, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, इसके अलावा होता है एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सीका होता है। ठीक है, ये हो गए इसके टाइप्स। तो हम एक एक करके इन टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूट। एक्यूट राइनाइटिस को हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं, जो नॉर्मली जैसे जुकाम हो जाता है वो हमारा है कॉमन कोल्ड या एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। इनिशियली तो वायरस की वजह से होता है, फिर अगर इसमें सेकेंडरी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आगे फिर ये बढ़ जाता है, लेकिन इनिशियली वायरल इन्फेक्शन है ये। और या तो जैसे कोई सीजन मौसम वगैरह चेंज होता है उस टाइम पे ये हो सकता है। और कौन कौन से वायरस है जिनकी वजह से होता है, जैसे राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या एडीनो वायरस की वजह से होता है। फिर क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे पेशेंट में, उसको क्या होगी, स्नीजिंग होगी। स्नीजिंग होगी, बार बार छींकें आएंगी। और पहले तो क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ द नोज, नोज बिल्कुल सूखा हुआ ऐसे लगेगा, इरिटेशन होगी। कुछ टाइम बाद नोज क्या होगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। और फिर इनिशियली तो क्या था, ड्राइनेस थी, फिर क्या होगा, परफ्यूज वॉटरी या म्यूकॉइड डिस्चार्ज आएगा। हेडेक हो सकता है, मलेज होगा, और टेम्परेचर भी कई बार, जैसे अगर किसी को जुकाम होता है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर हो सकता है, और माइल्ड जो है वो उसको हैवीनेस लगेगी ईयर्स में भी। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट की, तो आप जब उसके नोज की एग्जामिनेशन करोगे तो नेजल म्यूकोसा जो होगी वो कंजेस्टेड होगी और स्वोलन होगी, वहां से डिस्चार्ज हो सकता है, या तो म्यूकोपुरुलेंट होगा या म्यूकोइड होगा या वॉटर डिस्चार्ज होगा। और फिर आता है इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, वायरल इन्फेक्शन है तो ये अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। हमें क्या करना है, पेशेंट को इनिशियली तो रेस्ट करने को बोलना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेने को बोलना है। अगर उसको पेन वगैरह हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक्स देते हैं जैसे, और नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप देते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप में जैसे ज़ाइलोमेटाज़ोलिन या ऑक्सीमेटाज़ोलिन हो गया, एंटीहिस्टामिनिक्स यूज करते हैं, स्टीम इनहेलेशन देते हैं पेशेंट को, और उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉनिक राइनाइटिस। और जो एक्यूट है हमारा, एक्चुअली इसका आयुर्वेद कोरिलेशन भी बता दें, जैसे राइनाइटिस है उसको हम किससे कोरिलेट करते हैं, प्रतिशायद। ठीक है, तो जो अब राइनाइटिस के भी जैसे एक्यूट है टाइप, उसको हम दीप्ति से कोरिलेट करते हैं, और जो है हमारा क्रॉनिक राइनाइटिस फिर उसको अपीनस से कोरिलेट करते हैं, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।